हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी एंड मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है गाइस, ये वीडियो मैंने पहले भी बहुत बार बनाया हुआ है, लेकिन आज फिर मैं इस वीडियो को बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस आज भी आते हैं मुझे इससे ही रिलेटेड, तो इसीलिए ये मैं कंप्लीट नॉलेजेबल वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद फिर गायनों विधा में कुछ रहने वाला नहीं है, तो ऐसा करते हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइस, गायनोवेदा जी मेडिसिंस, गायनोवेदा मेडिसिंस जो है बहुत सारी वुमेन्स ऑलरेडी ले रही हैं, बहुत सारी वुमेन्स लेने का सोच रही है फॉर द नेचुरल प्रेगनेंसी। ये जो गायनोवेदा जी मेडिसिन है ये नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ही आपको लेना है। आपको कौन कौन से कारण में इसको लेना है ना, सबसे पहले अगर आपका ओवुलेशन टाइम पर नहीं होता है, आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं, आकार अच्छी नहीं, आपका एग फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है आपकी वो स्ट्रांग नहीं है, हेल्दियर नहीं है, तो इसके लिए आप गायनोवेदा की जीव मेडिसिन ले सकती हैं। अब बात करते हैं गायनोवेदा जीव मेडिसिन को क्या सिंगल लेना है या इसके साथ कुछ और लेना है। तो इसके साथ आपको फॉलिक एसिड जरूर लेना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको फॉलिक एसिड लेना ही है विद आयरन। तो फॉलिक एसिड विद आयरन का जो टैबलेट है वो दो कंपनीज के वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, एक गायनोवेदा का और एक होता है एसटी वाइटल का। आप एसटी वाइटल का भी ले सकती हैं एंड गायनोवेदा का भी आप ले सकती हैं फॉलिक एसिड। तो ये दो आपको कंपलसरी है लेना है और साथ में जीव मेडिसिन आप लीजिए, है ना। बहुत सारी वुमेन्स ये कहती हैं कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी मैम मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, तो देखिए इसका कुछ ना कुछ जरूर कारण होता है। बहुत बार क्या होता है ना, हमको हिडन पीसीओडी होती है या प्रॉब्लम इश्यूज होती है जो हमको पता नहीं होती है, लेकिन वो अंदर अंदर पनप रही होती है, ठीक है, और एक टाइम के बाद में वो हमको पता चलता है कि हमको ये दिक्कत निकल गई है। एंड बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो होती है बट आपको किसी भी तरह का सिम्टम्स नहीं देती है, और बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने तो बहुत बार ये चीज़ देखा है कि डॉक्टर्स उसको पकड़ भी नहीं पाती है कि ये प्रॉब्लम चल क्या रही है, और उसको बाद में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का नाम दे दिया जाता है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बाद में निकलती ही है। तो वैसे कंडीशन में भी आप गायनोवेदा की जीव मेडिसिन ले सकती हैं, अगर आपको कुछ छोटी मोटी इश्यूज़ होगी तो वो इससे ठीक हो जाएगी। हाँ, अब ये किस प्रॉब्लम में काम नहीं करती है, अगर आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो ये काम नहीं करेगी, है ना। अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो एक ट्यूब में जो अंडा आएगा उसको रप्चर करने का ये काम जरूर करेगी, लेकिन अगर आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो उसको ओपन करने में ये बिल्कुल भी मदद नहीं करती है। अगर आपको बहुत हैवी पीसीओडी पीसीओएस का सिम्टम है तो भी ये काम नहीं करती है। एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम में, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम में ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। ये आपका जो वर्क करती है वो इमेज पे काम करती है, ओवुलेशन पे काम करती है, जैसे कि मैंने बताया। अब बात करते हैं इसको कब से लेना है। अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं, आपको 6 महीने से लेके 1 साल का वक्त हो चुका है और आपको नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, आप डॉक्टर के पास चले गए हो, डॉक्टर से सारे टेस्ट करवा लिए और लेकिन आपके रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया है, ना आपके हस्बैंड के रिपोर्ट में आया है, तो उस कंडीशन में आप गायनोवेदा की जीव मेडिसिन ले सकती हैं विथ फॉलिक एसिड। और अगर आपको कोई इश्यूज हैं ऑलरेडी और ये आपके रिपोर्ट्स में आ चुका है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर निर्भर करता हुआ आप मेडिसिन लीजिए, लेकिन साथ में आप जीव मेडिसिन को भी ले सकती हैं। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था कि मैम एलोपैथिक के साथ में क्या हम गायनोवेदा नहीं ले सकते, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। होम्योपैथ के साथ भी आप गायनोवेदा को ले, गायनोवेदा जो है वो 100% आयुर्वेदिक टेबलेट से ले सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ समय का अंतराल जरूर रखेगा, जैसे 1 से 2 घंटे का गैपिंग जरूर रखेगा। अब इसको कब तक लेना है, तो गाइज ये जो मेडिसिन है इसको मिनिमम 8 मंथ से लेके 12 महीने तक लिया जाता है। इससे पहले अगर आपको रिजल्ट आ जाए तो आप इसको ड्रॉप कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो मिनिमम 8 से 12 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, तभी इसके रिजल्ट इसके परिणाम आते हैं। इसको क्या पीरियड्स में ले सकते हैं, तो हाँ इसको आपको महीने के 30 डेज आपको इसको लेना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। अब बात करते हैं कि
इसको क्या लेने से सच में रिजल्ट आता है? तो देखिए, अभी तक मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, इनफैक्ट मेरा भी केस आप उठा के देख लीजिए, तो मुझे इससे जो है 100% रिजल्ट मिला है। तो रिजल्ट मिलेगा, किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर के बाद रिजल्ट मिला है, पर मिला है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग वर्क करती है, तो ये इसका रिजल्ट भी अलग अलग डिपेंड करता है। अगर आपको एक्यूरेट इसके 100% रिजल्ट चाहिए, तो आप डाइट और एक्सरसाइज को अपना डेली रूटीन में शामिल कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुश रहिए, हैप्पीनेस रहिए, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो इसीलिए आप गायनोवेदा मेडिसिन को ले सकते हैं, 100% प्रेगनेंसी होती है। अब आते हैं गायनोवेदा से क्या साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो गायनोवेदा से देखिए, ऐसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट जो मैंने फील किया पर्सनली, मैं बताऊँगी कि इसको लेने के बाद में आपके पीरियड्स अप डाउन हो सकते हैं, आपको पीरियड्स अनबैलेंस्ड हो सकता है, शुरुआती में आपका हार्मोन भी अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। तो शुरुआत में आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि आपके पीरियड्स ना आए, आपके पीरियड्स लेट आए, आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा आए, बहुत कम आए, तो उस कंडीशन में भी ले सकती हैं। एक क्वेश्चन और था मेरी एक सब्सक्राइबर का कि क्या मैम ये लेस पीरियड में काम करती हैं? तो हाँ, बोल सकते हैं लेस पीरियड में काम करती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ पीरियड का इशू है, इरेगुलर पीरियड्स हैं आपके, और आपको सिर्फ पीरियड्स को अपना ठीक करना है, ठीक है, चाहे अपन मैरिड हो चाहे मैरिड हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप नामिया का इरेगुलर पीरियड्स में जो है वो लीजिए, वो बहुत बेस्ट मेडिसिन है फॉर द वो इरेगुलर पीरियड्स के लिए। एंड ऐसे ये पीरियड्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, शुरू के 1-2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने आपको थोड़ी ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे इचिंग हो रही है, मेरे पिंपल्स आ रहे हैं, मुझे एक्ने हो रहा है, मुझे बाल आपके बहुत ज़्यादा एक्सेस झड़ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में ये ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है। बट फिर भी अगर साइड इफ़ेक्ट दे, तो आप गायनोवेदा के कस्टमर केयर में आप ज़रूर से बात करिए। बहुत लोग ये सोचते हैं गायनोवेदा से ही हूँ, तो मैं गायनोवेदा से गाइज नहीं हूँ, मैं एक हेल्थ कोच हूँ, मैं सारे मेडिसिन के रिव्यूज़ बताती हूँ जो जेन्युइन होते हैं, सही होते हैं, और जिसने नेचुरली जिसने सही में रिजल्ट दिया है, मैं वैसे मेडिसिन के बारे में आपको बताती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। अगर आपको कोई टेस्ट है या कोई अल्ट्रासाउंड है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो भी मैं आपको जानकारी देती हूँ। तो मैं किसी भी मेडिसिन से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं बस यहाँ पर रिसर्च जब हम करते हैं तो उसके बाद में जो परिणाम आता है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। तो इसीलिए मैं गायनोवेदा से नहीं हूँ, गायनोवेदा की कस्टमर केयर में आपको बात करनी पड़ेगी, उनके डॉक्टर, बहुत लोग बोलते हैं उनके डॉक्टर कॉन्टैक्ट नहीं करते, तो देखिए ये मैं नहीं बोल सकती हूँ, है ना, इसमें मैं तो क्या ही बोलूँगी, ये इस चीज़ से मैंने भी सफ़र किया है। तो लेकिन आप लोग ट्राई करते रहिए, मैं भी शायद वो आपसे कॉन्टैक्ट करें। और इसको लेने का सिंपल सा तरीका, अब इसको लेना कैसे है ये बात करते हैं, इसको लेने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको गैस्ट्रिक की इश्यू है, आपको गैस बनता है बहुत ज़्यादा, है ना, या आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग जैसा लगते रहता है गैस की वजह से, आप एम्प्टी स्टमक का कुछ इंटेक करते हो, आपको गैस फॉर्म होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उसको जब भी लेना है आपको उसको वार्म वाटर के साथ लेना है, यानी हल्के सुसुम पानी के साथ लेना है, जिससे कि आपको गैस्ट्रिक फॉर्म नहीं होगा आपके पेट के अंदर। लेकिन अगर आपको कोई भी इशू नहीं है, तो आप इसको नॉर्मल वाटर जो होता है, ना ठंडा ना गर्म, आप नॉर्मल वाटर के साथ इसको ले सकते हैं। इसको लेना कब है, देखिए आपको फॉलिक एसिड भी लेना है और गायनोवेदा की जी मेडिसिन भी लेना है, जब भी आप लीजिएगा ये दोनों का पेयर ही लीजिएगा। तो फॉलिक एसिड जो है वो आपको दिन के 2 टैबलेट गायनोवेदा के लेने हैं, वो भी एम्प्टी स्टमक, मतलब आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, ठीक है, वो लेना है आपको अर्ली मॉर्निंग में 2 टैबलेट। उसके बाद में आपको गायनोवेदा की जीव मेडिसिन आपने ब्रेकफास्ट जब भी कर लोगे, ब्रेकफास्ट के 10 मिनट के बाद आपको गायनोवेदा की जीव मेडिसिन जो है वो 2 टैबलेट्स लेनी है, और रात में खाना खाने के बाद में आपको 2 टैबलेट लेनी है वापस से, यानी आपको दिन के 4 टैबलेट्स गायनोवेदा जीव लेनी है, फॉलिक एसिड लेना है गायनोवेदा का, वो भी एम्प्टी स्टमक। तो ये क्लियर हो गया, आपको इसी तरीके से ही लेना है। अब बात करते हैं कि ये क्या मेल पर्सन ले सकते हैं, तो नहीं, ये मेल पर्सन नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए ही होता है। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ खुद ले, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन में ही आप मेडिसिन का चुनाव करिए, आप अपने मर्जी से फिर चुनाव मत करिए। और एक चीज़ और आपको मुझे बतानी है, बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी वो लंबी स्टोरी के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, वैसे मैं इस मेडिसिन को 2-3 महीने पहले से जान रही हूँ, इनफैक्ट मैंने अपने एक जान पहचान वाले को यूज़ भी करवा के देख लिया और उनको रिजल्ट आया भी है, उनका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेलिंग में बताऊंगी। तो ये है ओजीवा,
सुन रहे हैं ना आप लोग सब भी नाम, मैंने वैसे शॉर्ट भी बनाया है इसका। ओजीवा का है हर्बल बैलेंस फॉर पीसीओएस, सपोर्ट बेटर साइकिल एंड हार्मोनल बैलेंस। ये अगर आपके हार्मोनल बैलेंस की प्रॉब्लम है तो आप पीसीओएस में ले सकते हैं, है ना। ये इसमें है चासबेरी, अशोका एंड शतावरी, आप ये तीनों चीज जानते हैं। और ये भी 100% प्योर आयुर्वेदिक ही है। एंड ये जो है व्हाट मेक्स इट गुड, शतावरी है, चासबेरी, एलोवेरा, गोकोरू, अशोका एंड प्रोमोग्रेनेट फेनल, ये इसके अंदर में इंग्रेडिएंट है। और इसमें व्हाट मेक्स इज बेटर, इसमें ना ये वीगन है, सोया फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, नॉन जीएमओ है, नो एडेड शुगर है, नो आर्टिफिशियल स्वीटनेस इसमें डाला गया है। हाउ टू एंजॉय, वन मिक्स टू स्पून इन 150 ml ऑफ वाटर टू स्टार वेल एंड एंजॉय इट। आपको इसको दो बार लेना है और इसको एक बार मिक्स करना है, दो स्पून है इसके अंदर दिया हुआ है। देखिए ये स्पून है, इसमें आपको निकालना है, ग्लास में डालना है हाफ इन वाटर में और इसको आपको मिला के पी लेना है। इसका टेस्ट भी अच्छा ही है। और ये मैं आपको आज क्यों बता रही हूँ, आपको पता है कि मैं जल्दी किसी के बारे में बताती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं किसी चीज़ के रिजल्ट देखती हूँ तो उसके बाद मैं ज़रूर उसके बारे में बोलना पसंद करती हूँ। तो इसके रिजल्ट मैंने देखे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको पी सी ओ एस है, बहुत सालों से 10 साल पुराना पी सी ओ एस भी है तो भी आप इसको ले सकते हैं, तो इसका वेट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो आई थिंक सो ये चैप्टर क्लियर हो गया गायनोवेदा। मुझे लगता है कि अब मुझे गायनोवेदा का फिर से रिव्यू वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए आप लोग मेरे, और मैं एक बात बोलूँगी, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना गाइस, मैंने ओल्ड में बहुत सारे वीडियो गायनोवेदा पे बनाए हुए हैं, आप लोग प्लीज़ गायनोवेदा की वीडियोस जाके देखिए, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ए टू जेड चीज़ें मिलेगी, है ना। तो आप ज़रूर जाके उसको देखिए, ठीक है। तब तक मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट लेके। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में ओजीवा पी सी ओ एस पे ही मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, है ना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से।